हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर में ना हम पार्ट वाइज करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली आपका 12 नंबर से 12 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन देने वाला हूं विद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। ठीक है, दिस इज अवर पार्ट वन। ठीक है, इसको तीन पार्ट में मैं लेकर आने वाला हूं, और तीनों पार्ट में हर पार्ट में स्पेसिफिक जो भी हम कराएंगे उसके न्यूमेरिकल्स जरूर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। एंड प्लीज, अगर आप नए हो अभी अभी देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को कि भाई हमने स्टार्ट कर दिया है अब। ठीक है, हम पे 5 महीने और 5 महीने 3 महीने के अंदर अंदर मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन। तो सबसे पहला जो सेशन है हमारा, व्हाट इज बेसिकली ए कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज के बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा है, और हमें पता है कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है, बेसिकली टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं ना भाई। तो गली के बच्चे बच्चे को बताया कि कितने चार्ज होते हैं भाई। दो तरीके के चार्ज होते हैं, पहला है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, एंड सेकंड है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें पता है, और हमने बचपन में सीखा है, 9th में हमने सीखा है कि भाई दो पॉजिटिव चार्ज लें अगर, और अगर दो नेगेटिव चार्ज लें, तो भाई हमें पता है कि लाइक क्या होते हैं भाई, रिपेल करते हैं। ठीक है भाई, छट जाते हैं। अगर मैं दोनों, जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को लेता हूँ, रिपेल करते हैं। ठीक है, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव लू या नेगेटिव पॉजिटिव लू, तो ये क्या करेंगे भाई, प्यार में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे ना भाई, प्यार मतलब अफेक्शन। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या है, ये हम छोटी सी क्लास में हम देख के आ रहे हैं, तो उसमें हमें ज्यादा प्रॉब्लम की बात है नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या यूनिट होता है। तो चार्ज का SI यूनिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, होता है कूलम। ठीक है, चार्ज का SI यूनिट होता है मेरे प्यारे बच्चों कूलम, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एग्जाम में पूछेगा जरूर, एक नंबर में MCQ भी आपके पास है, तो MCQ पे भी आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। ठीक है भाई, तो यहां तक हमने बहुत अच्छे से देखा। अब आते हैं भाई कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। करंट का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, करंट होता क्या है। ठीक है भाई, व्हाट इज बेसिकली ए करंट, करंट क्या होता है वो भी हम देखेंगे। बट उससे पहले एक थोड़ा सा हम चार्ज के बारे में और अच्छे से जान लेते हैं। करंट हम देखेंगे कि भाई करंट क्या होता है, बट करंट से पहले ना हम थोड़ा सा चार्ज के बारे में और अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है भाई, तो हमें पता है भाई इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, क्यू से। और चार्ज की SI यूनिट हमें पता चल गया कि क्या होती है भाई, कूलम। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, अगर मैं एक पार्टिकल बनाऊं जिसमें भाई एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसको एक मिनट बहुत अच्छे से मैं बता देता हूं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पे इसको और अच्छे से बना के आपको दिखा देता हूँ। तो फील आना चाहिए ना भाई, फील नहीं आया तो फिर मजा नहीं आता। एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है भाई। तो अगर इलेक्ट्रॉन है, तो भाई मैंने क्या बोला आपको कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है भाई, और इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं, तो मैं बताता हूँ, 0.0000 ऐसे चलते चलते यहाँ पे 0.16, ठीक है, 16 कूलम होते हैं। अब इसको देखो कितने सारे, अब इसके दौरान इसके बीच में कितने जीरोज हैं, इसके बीच में होते हैं 18 जीरोज। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक स्टैंडर्ड वे में लिखूं, तो ये सारे पॉइंट को मैं इधर करता हूं, यहां पे पॉइंट लगाता हूं, तो लिख देता हूं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक भाई, और अगर मैं बोलूं कि सर अच्छी बात है आपने समझा दिया, बहुत मजा भी आ गया, अब सर मुझे एक बात बताओ कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जी, तो चलो सर वो भी देख लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा राइट में शिफ्ट कर देता हूं, और उसको भी देख लेते हैं भाई कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने हमारे
कूलम होते हैं ना, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है भाई? तो मैं अगर बोलूं कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन नेगेटिव वन कूलम चार्ज, एक नेगेटिव वन कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लिखूं यहां पे तो कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन में, नेगेटिव 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, क्योंकि भाई हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना इट इज नेगेटिवली चार्ज, तो मैं इसके आगे नेगेटिव लगा सकता हूं, बट मैं लगाता नहीं हूं यहां पे, ठीक है? तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन बोलूं, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है? तो अब अगर मुझे यहाँ पे एक माइनस वन कूलम चार्ज लेकर आना है, तो मैं इस पूरे को 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर दूंगा, और अगर मैं राइट में कर रहा हूं तो यही वाला काम हमें, ये वाला क्रम हमें लेफ्ट में भी करना पड़ेगा उसी के नीचे, ठीक है भाई? तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ इक्वल्स हो जाएगा माइनस वन कूलम। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो भाई यहां पे आ जाने वाला है क्या, यहां पे आ जाने वाला है 0.0625 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन। तो भाई यहां से मुझे एक चीज पता चल गई, यहां से मुझे एक चीज पता चल गई कि भाई एक कूलम में ना 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर में देखो एमसीक्यू में भी आपसे वो खेलेगा, ठीक है? एमसीक्यू भी आपको खेलने वाला है एमसीक्यू में भी, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है? ये चार्जेस के बारे में हमने थोड़ी बहुत कहानियां सुनी, क्योंकि बहुत ही इजी है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ करंट के बारे में भी सीख लेते हैं कि सर कॉन्सेप्ट ऑफ करंट है क्या, ठीक है भाई? व्हाट इज बेसिकली अ करंट? करंट होता क्या है? करंट इज डिफाइंड एज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी चार्ज का फ्लो को ही मैं क्या बोलता हूं, चार्ज जब फ्लो होता है ना उसी को मैं क्या बोला जाता है भाई, करंट। अब अगर इसको ना बहुत अच्छे से एक एक डायग्राम से समझते हैं कि मैंने ना यहाँ पे एक वायर ले ली, ठीक है भाई? और हमें पता है अगर मैं यहाँ पे बोलूं दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, अब गली के बच्चे बच्चे को पता है कि जो करंट होता है ना, जो करंट होता है वो फ्लो करता है कहां से कहां को, करंट फ्लो चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो करंट होता है ना वो पॉजिटिव से नेगेटिव को फ्लो करता है। तो अगर मैं इसको लाल रंग से बनाऊं तो यहां पे देखो मेरा जो करंट है ये पॉजिटिव से नेगेटिव को जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव को मेरा क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, ठीक है? ये जो मेरा करंट है विच इज आई, ये पॉजिटिव से नेगेटिव को फ्लो करता है। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इट 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 फ्लोज अपोजिट टू द करंट। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके करंट के अपोजिट फ्लो करेगा, ठीक है भाई? तो अगर करंट लाल रंग का तार है जो पॉजिटिव से नेगेटिव को जा रहा है, वो इधर को फ्लो कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन को फ्लो करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपोजिट को फ्लो करेगा, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी को बोलते हैं हम कन्वेंशनल करंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट, ठीक है भाई? क्लियर है, ठीक है? अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव को बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा विच इज नेगेटिवली चार्ज, जो कि यहां पे होता है, तो वो क्या करता है, करंट के अपोजिट बहता है, ठीक है? सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, ठीक? यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो यहां तक हमने अभी बहुत अच्छे से देख रहे हैं, और धीरे धीरे करके हम सब चीज सीखेंगे। अब यूनिट ऑफ चार्ज एंड यूनिट ऑफ करंट, तो चार्ज की एसआई यूनिट हमें पता है कि चार्ज की एसआई यूनिट होती कूलम, ठीक है भाई? चार्ज की एसआई यूनिट होती कूलम, और करंट की एसआई यूनिट होती एम्पेयर, ठीक है? तो यहां तक हमने देखा, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है भाई, और कूलम को हम सी से डिनोट करते हैं। तो यहां तक हमने बहुत अच्छे से, बहुत मजेदार तरीके से सीख लिया है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज पोटेंशियल सर? ये पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा सरदर्दी बनी रहती है बच्चों पे, और ये होता क्या है, आज इसको ऐसा सीखेंगे कि भाई जिंदगी भर नहीं भूले हुए आप लोग, ठीक है भाई? तो व्हाट इज बेसिकली अ पोटेंशियल, तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं भाई, उसके बाद काम करते हैं अपना। तो पोटेंशियल क्या होता है भाई, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द
अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो भाई पोटेंशियल क्या होता है, मान के चलो यहां पे मैंने ए लिखा, यहां पे मैंने बी लिखा, और इस ए से बी में कितना चार्ज जा रहा है। मान के चलो मैंने यहां से ना 2 कूलम चार्ज फेंक दिया, ठीक है, मैंने ए से बी पे 2 कूलम चार्ज फेंका, तो ये जो चार्ज यहां से ए से बी में जा रहा है इस पे कितना वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन हुआ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचाने के लिए, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट या फिर फ्रॉम ए टू बी। अगर इन्फिनिटी से, मान के चलो इन्फिनिटी में मैं ले लेता हूँ सन, और सन से भाई मेरे पास यहाँ पे जीनियस क्लासेस में मैं मान लेता हूँ उसको ए, और सन से ए पे कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे चार्ज को जब मैंने भेजा तो कितना वर्क डन हुआ, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज ए, पोटेंशियल एक पॉइंट में कैसे डिफाइंड होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन मैं कर रहा हूं उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचाने के लिए। क्लियर है कि नहीं है? तो ये तो हमारा क्या है, पोटेंशियल है जी, ठीक है। अब इस पोटेंशियल का ही बड़ा भाई आ जाता है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, अभी इस पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत मजेदार तरीके से करने वाले हैं, तो टेंशन मत लो, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत गजब तरीके से करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले ये पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल व्हाट इज पोटेंशियल, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, एक बार और से डेफिनेशन देख लीजिए कि पोटेंशियल क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आप कर रहे हो पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे आप कितना वर्क डन कर रहे हो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में भेजने का, सिंपल सी बात। तो यही होता है मेरा पोटेंशियल, यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को पीछे से दोबारा से रिवाइंड कर लो, ठीक है भाई। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विच इज अवर पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले इस पोटेंशियल डिफरेंस को समझते फिर डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। मान के चलो एक पाइप है, ठीक है भाई, एक पाइप है, ठीक है। अब इस पाइप को मैंने बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है खड़ा, बिल्कुल, ठीक है। अब अगर मैं इस पे पानी डाल देता हूँ मान के चलो, तो यहाँ पे वाटर फ्लो होगा कि नहीं होगा ये बताओ। अगर मैं इसमें पानी भर देता हूँ, कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, बस पानी भर दिया मैंने, तो वाटर फ्लो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसी पाइप को अगर मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ ये, तो यहां से यहां तक की देखो इसकी हाइट बढ़ गई, ये वाली हाइट छोटी हो गई। तो यहां पे ना अब जो मैंने अगर इस पे पानी डाला ना बिना फोर्स के ऐसे पानी डाल दिया, तो ये पानी क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा, ये क्या करने लगेगा, पानी फ्लो करने लगेगा। तो यही जो चीज मैंने अभी अभी पानी वाली बात बताई आपको, कि अगर मैंने सीधे पाइप रखा था तो पानी यहाँ पे फ्लो नहीं करा, और जैसे ही मैंने हाइट में डिफरेंस लाया तो पानी फ्लो करने लग गया। तो यही केस क्या होता है भाई, करंट में भी होता है, क्लियर है कि नहीं है? तो यही केस क्या होता है, करंट में भी होता है। अगर कोई दो पॉइंट में मान के चलो मैं यहां पे एक तार लेता हूं, ठीक है, एक वायर है, और इन दोनों एंड पॉइंट्स पे, ये एंड पॉइंट ए, ये एंड पॉइंट बी, अगर इन दोनों के एंड पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा भाई, करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इसको और अच्छे से समझते हैं, बहुत बढ़िया करके। अब यहां पे इसको एक बहुत अच्छे से देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है दो पॉइंट का, वो इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो मैं चार्ज फ्लो कर रहा हूं उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस तभी होता है जब दोनों एंड पॉइंट्स पे, पोटेंशियल डिफरेंस तभी होता है जब दोनों एंड पॉइंट्स पे हमारे जो चार्ज है वो क्या रहे, डिफरेंस रहे, उस पे मेंटेन रहे, ठीक है। तो अब इसको एक और अच्छे एग्जांपल से इसको बहुत अच्छे से बता देते, आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। तो एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं। ओके, तो अब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो भाई, अब एक तार मैंने ली, ये मैंने एक तार ली, ठीक है भाई,
बहुत बढ़िया। अब यहां पे मैंने यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन रख लिए, यहां पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और इसके एंड पॉइंट में मैंने यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो अब यहां पे देखो इन दोनों के एंड पॉइंट पे डिफरेंस है कि नहीं है ये बताओ। बिल्कुल डिफरेंस है, देखो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो भाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, या फिर डिफरेंस या करंट क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। कि कोई भी एंड पॉइंट में ना, एंड पॉइंट में ना डिफरेंट हो, डिफरेंस होना जरूरी है, तभी करंट फ्लो होता है। तो अब यहां पे बहुत अच्छे से देखेंगे, इसको मैं बोलता हूं हायर पोटेंशियल और इसको मैं बोलता हूं लोअर पोटेंशियल। ठीक है, हायर पोटेंशियल मैंने क्या बोला, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जहां पे मोर इलेक्ट्रॉन है, वहां पे लोअर पोटेंशियल। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हायर टू लोअर पोटेंशियल पे क्या करता है, चलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। ठीक है, और यहां पे देखो दोनों में डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि दो एंड पॉइंट्स पे ना डिफरेंस होना जरूरी है, तभी चार्ज फ्लो होता है, क्लियर है कि नहीं है, तभी करंट फ्लो होता है। तो यहां तक हमें पता चल गया कि अच्छा सर बहुत बढ़िया करके समझ में आया। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि मान के चलो मेरा हाथ ठंडा है, तुम्हारा हाथ गर्म है, मैंने हाथ मिला है तो तुम्हारी गर्माहट, वाह वाह वाह, तुम्हारी गर्माहट मेरे हाथ में आ गई। सो हीट ट्रांसफर हुई फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अगर अगर दोनों की हाथ टेम्परेचर, दो तुम्हारा हाथ भी अगर ठंडा ही रहता, मेरा हाथ भी ठंडा, सेम टेम्परेचर का रहता, तो भाई हीट फ्लो होती ही नहीं है। तो वही सिमिलर केस भाई पोटेंशियल डिफरेंस का भी होता है, क्लियर है कि नहीं। तो यहां तक हम बहुत अच्छे से समझ में आया। और इसमें ना एक क्वेश्चन करते हैं भाई बहुत अच्छे से, जो कि हमें देख लेते हैं, इस पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारा बहुत अच्छे से समझ में आया कि भाई क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एमसीक्यू में तो ये सवाल जरूर आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, अब मान के चलो ये ए पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट में कोई चार्ज फेंका, किसी ने चार्ज फेंक दिया, विच इज, अब यहाँ पे चार्ज हमें दे रखा है 2 कूलम। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, अब मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि डेल्टा वी जो होगा ना, विच इज वर्क डन अपॉन चार्ज, क्यू लिख देता हूँ। तो डेल्टा वी, डेल्टा मतलब होता है चेंज, चेंज, तो डेल्टा मतलब चेंज। तो यहां देखो एक पॉइंट से चार्ज जब यहां से बी पॉइंट में गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ तो रहा होगा। मान के चलो यहाँ पे 15 वोल्ट है और इस बी पॉइंट में मान के चलो 30 वोल्ट है। अब यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट में जो चार्ज फेंका वो 2 कूलम चार्ज था। ठीक, तो मुझे भाई वर्क डन निकालना है, वर्क डन अपने को निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छे से इसको देखते हैं। अपने को पता है फॉर्मूला कि डेल्टा वी जो होता है ना वो होता है वर्क डन ओवर चार्ज। और डेल्टा वी, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो भाई मैंने चार्ज ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने चार्ज ना ए से बी में फेंका था, तो यहां पे इनिशियल क्या था मेरा, ए, और फाइनल क्या था मेरा, बी। क्लियर है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा ना मैं चेंज में, तो डेल्टा वी जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज, सिंपल। अब यहां पे मैं इस पे यहां पे लगाता हूं, तो वी बी कितना है मेरा, 30 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट इक्वल्स टू वर्क डन कितना है? वही तो निकालना है चचा, अपॉन चार्ज इज टू। तो ये हो जाएगा 15 वोल्ट, ये कूलम है। अब इसको मैं इधर फेंकूंगा, यहां पे ले आते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 कूलम इक्वल्स टू वर्क डन। एंड यहां से भाई हम पे आ चुका है 30 जूल, हमारा आ जाएगा वर्क डन कितना हुआ भाई, 30 जूल हो गया। तो यहां पे बहुत अच्छे से एक चीज समझ लेते हैं। तो जो अभी हमने देखा कि सर एक पॉइंट से बी पॉइंट में हमने चार्ज फेंका, ए में 15 वोल्ट था,
बी में 30 वोल्ट था और दो कूलम चार्ज फेंका, तो अब मेरा वर्डन कैसा? तो मैंने सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया, डेल्टा वी इक्वल्स टू वर्डन और चार्ज, और मैंने यहां से आंसर लेकर आ गया हूं। अब यहां पे एक क्वेश्चन बहुत अराइव करता है कि सर ये जो डेल्टा वी है ना, डेल्टा वी है ना जो, ये होता है सर वर्क डन ओवर चार्ज, और ये जो डेल्टा वी है विच इज माई पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या है सर? तो यहां पे एसआई यूनिट होती है हमारी वोल्ट, वर्क डन की एसआई यूनिट होती है मेरे प्यारे बच्चों जूल, और कूलम और चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। तो यहां तक हमें समझ में आया, ये एसआई यूनिट का भी खेला बहुत बढ़िया है, ठीक है भाई? तो यहां तक हमने बहुत अच्छे से इसको देखा है, तो आप इसको फटाफट राइट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें सिमिलर सा यही वाला घिसा पिटा सा सवाल ले लेते हैं। एक ये ए है, एक ये बी है, यहां पे अब 15 वोल्ट ले लेते हैं, यहां पे अब 10 वोल्ट ले लेते हैं। तो अगर मैंने चार्ज ए से बी में फेंक दिया विच इज 2 कूलम चार्ज, तो अपन को वर्क डन निकालना है। चचा वर्क डन निकाल सकते हो क्या? निकाल के दिखाना जरा। तो आप क्या लिखोगे सर? बहुत ही नकली सा सवाल है, तो है ना, हम भी कर लेंगे तो गली का बच्चा बच्चा कर लेगा, तो करो ना फिर, तो करते हैं भाई। तो डेल्टा वी जो हो जाएगा ना भाई, वो हो जाएगा वर्क डन ओवर चार्ज, और डेल्टा वी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है मेरा बी, इनिशियल है मेरा ए, तो मैं लिखूंगा वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज। तो वी बी है मेरा 10 वोल्ट, माइनस वी ए है मेरा 15 वोल्ट, इक्वल्स टू वर्क डन अपन को निकालना है, और कूलम है मेरा 2। तो यहां पे वर्क डन जो आ गया मेरे बच्चों, वो आ गया कितना? ये आ जाएगा -5 वोल्ट इंटू 2 कूलम विच इज -10 जूल। अब यहां पे आप सोचोगे कि सर क्या वर्क डन नेगेटिव हो सकता है? क्या बोलोगे कि सर क्या वर्क डन कभी नेगेटिव हो सकता है? तो मेरा आंसर होगा यस, सरासर सही है। और आप बोलोगे सर कैसे हो सकता है वाई सर, वाई सर? तो मेरा आंसर होगा बेटा ये चीज तेरे को बतानी है मेरे को कमेंट सेक्शन में। किसमें बताएगा? कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो हम भी देखें इसमें कितना है दम, ठीक है भाई? तो यहां तक हमने देख लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, बहुत ही गजब सा, और वो बहुत ही ज्यादा बार पूछा भी जाता है, ठीक है भाई? तो अब यहाँ पे ना देखो क्वेश्चन की वैरायटीज कितनी हो सकती है ना इस पे। अब यहाँ पे तो मैंने ऐसे सिंपल सा आपसे बेकार सा सवाल पूछ लिया, ठीक है? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, आपने अच्छा काम कर दिया सर, है ना? तो अगर मैं एक और सवाल पूछ लेता आपसे, मान के चलो एक और सवाल पूछ लेता, और इसको ना मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख लेता, ठीक है? एक और सवाल अगर मैं पूछ लेता कि यार एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, ए से बी मैंने चार्ज फेंका जिसमें वर्क डन जो है ना वो 50 जूल है, चार्ज जो है ना वो 5 कूलम है, यहाँ पे जो वी बी है ना वो मेरा 15 वोल्ट है, तो मेरे को ना वी ए निकालना है, वी ए निकालना है अपन को। कितना इजी है ना भाई, कितना इजी है ना, मतलब क्या ही बोलूं मैं। देखो ना आपको क्या है ना, सब चीज गिवन होगी, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डेल्टा वी जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्क डन ओवर चार्ज, डेल्टा वी क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए। और यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि चार्ज कहाँ से कहाँ को जा रहा है, क्योंकि ये चीज चेंज हो जाती है, फिर ये वाला सिनेरियो चेंज हो जाता है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा 50 जूल अपॉन 5, ठीक है? ये काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू हो जाएगा 10। अब वी बी कितना है भाई मेरे पे? वी बी है 15, तो ये हो जाएगा 15 वोल्ट माइनस वी ए इक्वल्स टू 10। अब क्या करूंगा, वी ए को ना इधर शिफ्ट कर दूंगा और ए को इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो वी ए आ जाएगा मेरा भाई 15 माइनस 10 विच इज 5, ठीक है? सिंपल है ना, क्या बात है, ये आ जाएगा मेरा 5 वोल्ट। कितना इजी हो गया भाई, कितना इजी हो गया। तो ऐसे सवाल आते हैं आपको घुमा फिरा के। एक और सवाल इसी पे कर लेते हैं, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है? फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे, एक और सवाल इस पे कर रहे हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। मान के चलो ये है सन, ठीक है? सूरज की किरणें निकलेंगी ये भी यहां से, तो भाई सन है तो येलो येलो कर देते। अब इस सन से ना इस जीनियस क्लासेस पे और रोशनी आ रही है, ठीक है भाई? जीनियस क्लासेस पे रोशनी आ रही है, और यहाँ पे जो है ना ये 15 वोल्ट है इस एंड पॉइंट पे। मैंने बोला कि जो वर्क डन है वो मुझे निकाल के दिखा दो, जहां पे जो मेरा चार्ज है वो 5 कूलम चार्ज,
सन से रेज आ रही है पे, मैंने मान के चल रहा हूँ, ठीक है मान के चल रहा हूँ। तो अपने को क्या निकालना है, वर्ल्ड निकालना है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, डेल्टा वी जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्क डन ओवर चार्ज, ठीक। और डेल्टा वी होगा था फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी ए माइनस वी, यहाँ पे सन लिख देता हूँ भाई, इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज। अब यहाँ पे वी ए है मेरे पे 15, तो मैं लिख दिया 15 वोल्ट माइनस वी वी सन, सन बोले तो सन कहाँ पे है भाई, इन्फिनिटी में है, तो मैं इसको वी इन्फिनिटी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और हमें पता है भाई जो भी चीज इन्फिनिटी में होते हैं उसको हम क्या लिख देते हैं भाई, जीरो। तो कोई भी चीज इन्फिनिटी में है तो मैं उसको एज सच क्या लिखता हूँ, जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कितना इजीली मेरे पे आ गया, 15 वोल्ट इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज इज 5। अब इस 5 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो जो मेरा वर्क डन आ जाने वाला है वो आ जाने वाला है 5 5 25 5 2 और 5 5 75 जूल। सो देखो कितना इजी है। तो ये जो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें भी ये भी बड़ा इजी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है पूछेगा जरूर वो आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया बहुत अच्छे से। अब हमें पता है यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट सबको पता है क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है भाई। तो यहां तक हमने बहुत अच्छे से बहुत मजेदार तरीके से इसको हमने सीख लिया है, क्या बात है, मास्टरी होगी भाई इस पे, तो है ना। अब आते हैं भाई सर रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बोले तो क्या, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर और वायर इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है जी, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर कोई करंट बह रहा है भाई, मान के चलो यहां पे मुझे, मैंने एक तार ले ली, ये तार है भाई, और मैंने यहां से करंट फ्लो करा दिया, और करंट को कोई चीज रोक रहा है, मान के चलो मैंने यहां पे रेजिस्टर लगा दिया, ये मैंने रजिस्टर लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज करंट को बहने से रोकता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट को बहने से रोक रहा है, उसी को मैं क्या बोलूंगा भाई, रेजिस्टर। और रेजिस्टर को ना, रेजिस्टेंस को ना, ऐसे ऐसे स्पीड ब्रेकर होती है ना, जैसे स्ट्रेट रोड है और स्ट्रेट रोड में स्पीड ब्रेकर होते हैं ना ऐसे, तो क्या करते हैं गाड़ी की स्पीड को रोक देते हैं। तो वही क्या करते हैं करंट में भी, क्या करते हैं हम ऐसे साइन इसीलिए ही बनाते हैं दिखाने के लिए कि ये क्या है, एक रेजिस्टर है, क्लियर है कि नहीं। तो अभी रेजिस्टर बहुत अच्छे से हम समझेंगे कि रेजिस्टर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड ए रेजिस्टेंस। तो कितना ईजी है नहीं, कितना ईजी है नहीं। तो यहां चीज तो हमने देख ली। अब आते हैं जो मेन मुद्दा है ना भाई, जो मेन मुद्दा है कि व्हाट इज बेसिकली एन ओम्स लॉ। अब सर ये ओम्स लॉ क्या होता है, वो है मेन, सबसे मेन ना वही होता है यार कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई ओम्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज ओम्स लॉ। तो इसको बहुत अच्छे से देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड एंड द फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर ऑफ दैट कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब ओम्स लॉ की ना एक ही लिमिटेशन है, एक ही चीज है भाई, एक ही लिमिटेशन है कि ना जो टेम्परेचर है ना भाई वो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बच्चे ना इसको मिस करते हैं, कॉन्स्टेंट होना जरूरी है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है ना तो वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये पूरा लिख के और ये छोड़ दोगे ना, अगर नंबर खा जाएगा टीचर तुम्हारे इज्जत से, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कह रहा है कि जो करंट है ना, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, मान के चलो मैं इसको इसको ना बहुत अच्छे से समझेंगे, इसको रटेंगे नहीं अभी। तो एक कंडक्टर है, एक वायर है, ये कंडक्टर कुछ अजीब से नहीं लग रहा तुम्हें। अच्छा एक मिनट भाई, एक चीज और बता दूं अभी सीबीएसई स्टूडेंट्स को, मेरी जो ड्राइंग है भाई वो इतनी घटिया है कि तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो एक मैंने क्या है कंडक्टर बना दिया, इट इज ए वायर, ठीक है वायर है। अब वायर को तो ऐसे दिखा नहीं सकते, इसलिए ऐसा दिखा दिया, ठीक है। अब ये वायर है, अब इसके ना एंड पॉइंट्स होंगे ना, ये ए है ये बी है, ठीक। अब अगर मैं इस पर करंट पास कराता हूं, अब क्या बोल रहा है सुन लो,
करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, जो करंट है फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, और पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने पी लिख दिया, विच इज माई वी. पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी, ठीक है भाई. तो मैंने क्या बोला, जो करंट फ्लो रहा है ना, एक करंट जो फ्लो हो रहा है किससे भाई, एक वायर से या एक कंडक्टर से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, ठीक है. तो फिर से हम बोलेंगे कि जो करंट बहता है ना किसी तार से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड पॉइंट्स. यहां से एंड पॉइंट से ही तो होता है. तो यहां पे हम क्या देखेंगे कि भाई मैंने एक चीज देखी कि भाई करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्ट. और हमारी बुक में ना ऐसे दे रखा होता है, कैसे दे रखा होता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि जो करंट होता है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है. अब मैं इसको एक चीज बताता हूं. तो यहां पे एक चीज देखेंगे आप, ये जो ओपन वाला पार्ट है ना, ये ओपन वाला पार्ट, इसको बहुत अच्छे से देखो. ये ओपन वाला पार्ट जो होता है ना, ये हमें बताता है इंडिपेंडेंट. क्या बोलता है ये, इंडिपेंडेंट. इट इज एन इंडिपेंडेंट पार्ट. इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो V होगा ना, V डिपेंड करेगा I पे. V डिपेंड्स ऑन I, ऑन I. ये जो V है ना, ये डिपेंड करेगा I पे, I नहीं करेगा V पे डिपेंड, ठीक है भाई, समझ रहे हो. V डिपेंड करेगा I पे. अगर मैं करंट बढ़ाता हूं तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, अगर मैं करंट कम करता हूं तो वोल्टेज भी कम होगा. समझ में आ रहा है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड. तो इसका मतलब ये है. तो अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या मैं बोल सकता हूं भाई I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. सो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो V होता है ना, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो यहां पे एक इक्वल्स टू लगेगा, और जब इक्वल्स टू लगेगा तो इक्वल्स टू को हटाने के लिए मुझे कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है, विच इज माई आर. तो यहां से मेरे पे एक कंडीशन बनेगी, विच इज ओम्स लॉ, और ये बोलता है V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर. और बच्चों को याद करने का तरीका क्या है भाई, तो सलमान खान का गाना गा लो, सुरीली अखियो वाली, है ना. तो वो क्या था, वीर, वो उस पिक्चर का नाम वीर था ना, तो ऐसे करके याद रखो, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर. यहां तक क्लियर है कि नहीं, बहुत बढ़िया. तो अभी हमने क्या देखा, V इक्वल्स टू आई आर. तो मैं इसको ना यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक कंडीशन लिख लेता हूँ बहुत अच्छे से, कि हमें पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. तो V इक्वल्स टू I और R, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो यहाँ पे एक इक्वल्स टू लगा और एक कॉन्स्टेंट लग गया, ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं करंट को बढ़ाता हूं ना तो वोल्टेज भी बढ़ती है, और अगर मैं करंट को कम करता हूं ना तो वोल्टेज भी कम करती है, होती है, ठीक है. अब अगर मैं बोलूं कि भाई वोल्टेज अगर मैं बढ़ा देता हूं, क्या रेजिस्टेंस पे कोई चेंज आएगा, रेजिस्टेंस पे जरा बताओ. देखो रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, बिकॉज रेजिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट. रेजिस्टेंस ना किसी के लिए भी चेंज नहीं होता, इट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है भाई. रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस होता है कॉन्स्टेंट, ये किसी के लिए चेंज नहीं होता है, क्लियर है कि नहीं है भाई. तो यहां तक हमने क्या देखा, V इक्वल्स टू आई आर. अब यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बता देता हूं, तो मैं यहां पे इसको लिख लेता हूं, V इक्वल्स टू आई आर. V की एसआई यूनिट सबको पता है, वोल्टेज, वोल्ट, वोल्टेज करो वोल्ट. I की होती है एम्पियर, और रेजिस्टेंस की होती है ओम, ठीक है भाई. अब ये जो रेजिस्टेंस है भाई, हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है ना, इट इज ए फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया, ठीक है भाई, जिसका नाम ओम था, तो उसी के नाम पे रख दिया गया रेजिस्टेंस, ठीक है भाई. तो इसका इसका जो सिंबल होता है ना रेजिस्टेंस का, वो ऐसे होता है, ठीक है भाई. और एम्पियर का तो आपको पता है ए, और वोल्टेज का आपको, वोल्ट का आपको पता है. तो यहां तक तो हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आई हमें. तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है. अब ये कंडक्टेंस क्या होता है भाई, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस.
है भाई, तो अगर मैं बोलूं वन अपॉन आर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा मेरा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है कंडक्टेंस, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, कंडक्टेंस, और इसको मैं जी से डिनोट करता हूँ। ठीक है भाई, तो यहां तक हमें समझ में आ गया। ठीक है भाई, तो हमने ये बहुत अच्छे से देखा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस देख लिया, बहुत अच्छे से हमने ओम्स लॉ को डिराइव किया। ठीक है, अब आते हैं ओमिक कंडक्टर। अब ये ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो ओम्स लॉ को ना, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, विच विच फॉलोज योर ओबे, विच ओबे ओम्स लॉ, विच फॉलोज ओम्स लॉ, उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। और नॉन ओमिक क्या होता है, द कंडक्टर विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, फॉलो नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है भाई, यहां तक हमने बहुत अच्छे से देखा। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मार्क एज इंपॉर्टेंट, तो फैक्टर क्या है, किस फैक्टर में अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फोर फैक्टर्स, चार फैक्टर्स में डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। पहला है मटेरियल पे, कि कंडक्टर जो वायर है वो कौन से मटेरियल का है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा है लेंथ पे, तीसरा है वो कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, थिकनेस पे, और चौथा है टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर पे। ठीक है भाई, तो ये चार चीजें जो कि अभी हम बहुत अच्छे से देखेंगे, तो ये चार फैक्टर है, फोर फैक्टर है जिसपे रेजिस्टेंस जो है वो अफेक्ट करता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है मटेरियल पे। तो सबसे पहले देखो यार, मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये फर्स्ट वाला, इसको अभी हम देखेंगे। सबसे पहले मैं नीचे आता हूँ, लेंथ में आता हूँ। ठीक है भाई, तो इसको अभी हम देखते हैं, मटेरियल पर डिपेंड करता है, पहले मैं आता हूँ लेंथ पे। तो लेंथ ऑफ ए कंडक्टर बोले तो क्या, तो जो रेजिस्टेंस होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। मतलब क्या बोले तो क्या सर, बोले तो ये कहानी सुनाए हम आपको। कहानी इस प्रकार है कि भाई मेरे पे ना आज से कुछ सालों पहले एक एक्सटेंशन हुआ करता था, जो कि कम से कम ऐसे ऐसे मैं इसको एक्सटेंशन बनाता हूँ, 10 मीटर की तार थी। ठीक है, तो भाई पहले क्या होता था ना, पहले जो होता था घरों में ना, पहले एक्सटेंशन तो होते नहीं थे, पहले तो मोबाइल होते नहीं थे, तो तार बड़ी तार लगा के और एक्सटेंशन लगा के फिर चार्ज करना पड़ता था फोन। तो मैंने 10 मीटर की तार खुद बनाई, क्योंकि अब यार साइंस के स्टूडेंट है भाई, इतना तो खुद ही कर सकते हैं ना, तो मैंने खुद लंबी सी तार बना दी 10 मीटर की। तो मैंने अपना फोन को चार्ज किया भाई, टॉर्च वाला फोन होता था उस टाइम, वो टॉर्च वाला फोन ना 2 घंटे में चार्ज हो जाता था, क्योंकि भाई अपन को रात को बात करनी होती थी। ठीक है भाई, समझ रहो, तो अब यहाँ पे क्या है, 2 घंटे चार्ज पे, 2 घंटे में हो जाता था भाई। वो 2 घंटे जब मैंने इस पे लगाया इसको, तो 2 घंटे में चार्ज ना होके वो 5 घंटे में चार्ज हो रहा। मैंने बोला यार ये क्या ड्रामा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को कुछ। तो बाद में मुझे पता चला कि भाई अच्छा ये चीज है भाई, मतलब क्या कि जितनी लंबी तार हो जाएगी ना, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा तार पे, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है ना भाई, उतना ही कम मेरे पे करंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो भाई अब तार अगर मैं लंबी कर दूं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ गया भाई तो करंट कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, उसी दौरान मेरा ये, मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई इसलिए चार्ज नहीं हो रहा। तो मैंने क्या किया भाई, कैची लाया और मैंने एक अकलमंद का काम कर दिया, और इसको भाई मैंने यहां से काट दिया कैची से। और जब भाई मैंने इसको कैची से काटा, फिर मेरी जिंदगी संवर गई। ठीक है भाई, फिर जो फोन मेरा 2-5 घंटे में चार्ज होता था, वो अब 2 घंटे में होने लगा, और मजा आ गया भाई लाइफ में, है ना भाई। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, सबसे पहला डिपेंड करता है रेजिस्टेंस लेंथ पे। तो मतलब जो लेंथ होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होता है। तो जितना ज्यादा लेंथ, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस, और उतना कम करंट। और अगर मैं लेंथ को कम कर दूं तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, 1 मिनट, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो मोबाइल के चार्जर होते हैं वो 1 मीटर से ज्यादा नहीं होते, अगर वो 10 मीटर के हो जाए ना भाई, तो तुम्हारा फोन भी फास्ट चार्ज नहीं होगा फिर, क्योंकि लेंथ बढ़ा दी मैंने, समझ रहे हो।
बहुत बढ़िया। तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन वेयर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये लिख लो फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं सेकंड वाले में, और ये बड़ा गजब वाली चीज है भाई, इस ये बड़ा गजब है। और ये क्या चीज है भाई, ये भी देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है भाई, थिकनेस ऑफ ए कंडक्टर। अब थिकनेस में कैसे डिपेंड करेगा सर, कि भाई थिकनेस में बोले तो जो रेजिस्टेंस होता है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। मतलब क्या सर, मतलब क्या कि अगर मैं कोई तार को थोड़ा मोटा कर दूं ना, अगर मैं उसका एरिया बढ़ा दूं ना सर, तो रेजिस्टेंस उस केस में क्या हो जाता है सर, कम हो जाता है। बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्टली, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस, या फिर मैं बोलूं कि एरिया। तो अगर एरिया बढ़ जाएगा, अगर तार बड़ी मोटी हो गई, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो गया भाई तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बहुत बढ़िया। अगर मान के चलो मैंने तार इसे पतली सी कर दी है, इसे पिद्दी सी, तो अब यहां पे एरिया भाई इसका हो गया कम। एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस भाई गजब करके बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो भाई क्या होगा आपको पता ही है, करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, इस केस में कम हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सो इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या होते हैं भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन कैसे दे दिया जाता है कि भाई एक तार है, इसका रेडियस जो है वो है 2 मीटर का। तो आपको पता है ना, तार जो होता है, ये तार है, इसका रेडियस 2 मीटर का है, तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा। और एरिया आपको पता है क्या होता है भाई, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपको फिर एरिया निकालना पड़ेगा इस तार की। समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन जब हम करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया, ठीक, बहुत बढ़िया। सो यहां तक हमने देखा, अभी हमने क्या देखा था, ऊपर देखा था लेंथ, एंड एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो यहाँ पे आप लिख लो कि जो रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया होता है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। फिर ये जो होता है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सिंपल सी बात। तो हर 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 कंडक्टर का ना अलग अलग टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो वो रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब ऊपर आ जाते हैं जरा, जो सबसे पहला था कि वो कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। मान के चलो अगर आयरन है, आयरन का आयरन का रेजिस्टेंस अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, ठीक है, अलग होगा। तो ये सब का जो ये जो चीज होती है ना, मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, जो मटेरियल होता है, इन सब का रेजिस्टेंस आपको बुक में गिवन होता है, ये बुक में आप लोगों को गिवन होता है, ठीक है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये चार चीज हमने देखी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, थिकनेस ऑफ ए कंडक्टर और ए लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। अब इस पे क्या आ जाता है भाई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अपने को पता था कि जो रेजिस्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, विच इज माई इक्वेशन वन, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, विच इज अवर इक्वेशन नंबर टू। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन एरिया। और अगर मैं अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाता हूं तो मेरे को क्या मिल जाता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। और ये जो रो है ना भाई, दिस इज कॉल्ड एन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और मैं इसको बोल सकता हूं रेजिस्टिविटी। अब इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। अब सर बहुत बढ़िया आपने बता दिया कि ये चीज, बहुत बढ़िया करके आपने बताया कि भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस को मैं कैसे कर सकता हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। और अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इस ए को भाई इधर फेंको, इस एल को इसके नीचे फेंको, तो ये हो जाएगा रो इक्वल्स टू आर इंटू ए ओवर एल। और अगर मैं अब इसकी यूनिट निकालूं, एसआई यूनिट निकालूं, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो वो क्या हो जाएगा जी, वो क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट, गली के बच्चे बच्चे को पता है विच इज ओम, एरिया की पता है भाई मीटर स्क्वायर, और लेंथ की पता है जी मीटर 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 स्क्वायर नहीं मीटर। तो भाई अगर मैं इस मीटर से एक स्क्वायर काट दूं, तो जो मेरी रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट हो जाएगी विच इज माई ओम मीटर। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया भाई,
दिस इज माई स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। सो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के ना कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करते हैं भाई इस पे एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो मैं अब यहां पे इसको लेकर आता हूं आपको और न्यूमेरिकल इस पे कराते हैं, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के ना बहुत इजी वाले होते हैं। देखो यहाँ पे ना इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही इजी वाले होते हैं, ज्यादा टफ होते नहीं है, ठीक है भाई। तो कुछ एग्जांपल देखेंगे कुछ बढ़िया करके, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे इसकी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ न्यूमेरिकल्स लेकर आता हूँ, ठीक है। सो अब मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है। अब यहाँ पे देखो रेजिस्टिविटी वाला क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक वायर है, ठीक है, जो कि क्या है, कॉपर वायर है जो कि 1 किलोमीटर की है। अरे भाई बहुत बड़ी लंबी तार है ये, 1 किलोमीटर की कॉपर वायर हमने यहाँ पे ले ली है। और क्या कह रहा है, जो इसका रेडियस है ना, विच इज 1 mm, 1 मिलीमीटर का इसका रेडियस है, ठीक है। और जो रो दे रखा है हमें, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर दे रखा है, वो आपको गिवन है 1.72 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर, ठीक है। तो कैलकुलेट आपको क्या निकालना, रेजिस्टेंस विच इज आर, आपको आर निकालना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले ना हम फॉर्मूला देख लेते हैं भाई। अपने को फॉर्मूला पता है कि जो आर होता है ना वो होता है रो एल ओवर ए, ठीक है। अपने को लेंथ भी पता है, तो जो जो चीज गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है भाई। तो अपन पे गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं, गिवन हम पे क्या क्या है वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को गिवन है लेंथ, अपने को गिवन है विच इज 1 किलोमीटर, ठीक है। रो आपको गिवन है विच इज 1.72 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर। एंड आपको एरिया गिवन है, क्या एरिया नहीं गिवन अपने को, बस क्या गिवन है अपने को, रेडियस गिवन है। रेडियस अपने पे क्या है, 1 mm। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि देखो यहाँ पे ना आपको रेडियस ही गिवन होगा, आपको एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें पता है ना कि जो लेंथ होता है इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, ठीक है, ठीक है, ठीक। और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो लेंथ की तो सबसे पहले मीटर है ना, तो ये लेंथ तो हमारा किलोमीटर में है, तो इसको मैं मीटर में चेंज कर लेता हूं। तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1000 मीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस 1 mm को ना, 1 मिलीमीटर को ना मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, रेडियस को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, यहां तक क्लियर है। और हमें पता है कि 1 mm जो होता है वो होता है 10⁻³ मीटर, ठीक। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 1/1000 मीटर, ठीक है जी। यहां तक हमने ये सारी चीजें लिख ली, जो जो चीज हमें गिवन होती है ना वो मैंने लिख ली है, ठीक है। अब मुझे ना कोई दिक्कत होने नहीं वाली, ठीक है। तो अब अपन लगाते हैं फॉर्मूला। तो रेडियस हो जाएगा, रो है 1.72 × 10⁻¹⁸ इंटू लेंथ है मेरे पे 1000 अपॉन एरिया। अब एरिया जो होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब पाई बोले तो पाई होता है मेरा 3.14 × रेडियस का स्क्वायर विच इज 1/1000 अपॉन 1/1000, ठीक है जी। यहां पे अब मैंने इसको लिख लिया है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया करके ये मैंने लिख लिया है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेडियस हो जाएगा मेरा 1.72 × 10⁻¹⁸ इंटू 1000 अपॉन 3.14 × 10⁻¹⁶, ठीक है भाई। देखो 10⁻⁶, ये इसको मैं ऊपर लिखूंगा, 10⁻³ हो जाएगा, इसको करके हो जाएगा -6। अच्छा चलो मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 10⁻³ × 10⁻³। और हमें पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो हो जाएगा 10⁻⁶ भाई।
अब देखो, अब मैं इससे पूरा कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2। ठीक है, ये पूरा कट गया ऊपर, ये हो जाएगा 10 की पावर -2। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.72 × 1/100। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/100 / 3.14 × 1000। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या बात है। और एक काम करता हूँ मैं, रेडियस हो जाएगा मेरा 1.72 / 3.14 × 10। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 लगाता हूँ, इधर भी हटाऊंगा तो नीचे ऊपर 2 0 लगाएंगे, कैंसिल आउट जाएगा। बस अब हो गया भाई, अपना काम बढ़िया है। तो रेडियस हो जाएगा, वो रेडियस कह रहा सॉरी, जो मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा विच इज 5.5 ओम। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना इजीली हमारा ये सॉल्व हो जाने वाला है। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं आपको देख लिया होगा। ठीक है ना, एक बार प्लीज आप इसको राइट डाउन कर लीजिए फटाफट फटाफट। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन, एक कुछ क्वेश्चन और भी होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। अब वो स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन क्या होते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। स्ट्रेचिंग ए वायर वाले क्वेश्चन, ये बहुत ही इतने नकली क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्या बोलूं मैं। तो यहाँ पे एक वायर है जिसकी लेंथ है एल और एरिया है ए। ठीक है, मैंने मान लिया। अब आपको उसने बोला कि आपके जो ये जो वायर थी ना, इसका रेजिस्टेंस मान के चलो 10 ओम है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, आपने इस वायर को ना स्ट्रेच कर दिया डबल। क्या बोला, डबल स्ट्रेच कर दिया। अब जब आपने इसको डबल स्ट्रेच कर दिया ना, तो अब यहां पे ये जो डबल आपने स्ट्रेच किया इस वायर को, तो अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये वाला सवाल आता है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं भाई, मान के चलते हैं दोनों ही एक कॉपर वायर है। ठीक है, ये दोनों ही कॉपर वायर है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल ओवर ए। तो रेजिस्टेंस मेरा है 10 ओम इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। ठीक है भाई, ठीक। अब यहां से जब मैंने इसको डबल स्ट्रेच कर दिया, तो यहां पे जब मैंने इसको स्ट्रेच किया ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है रो। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, तो मैं इसको क्या करता हूँ ना भाई, एक सर्कल सर्कल में कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड माई स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या है, जब मैं तार को खींचता हूँ तो यहाँ पे इस टाइम पे तो लेंथ एल था, तो जब मैंने उसको डबल खींचा तो लेंथ तो 2L हो जाएगी भाई, और एरिया यहाँ पे ए है तो एरिया हो जाएगा a/2। क्लियर है कि नहीं है ये बताओ। जितना मैं खींचूंगा ना भाई, सिंपल सी बात है, एरिया कम हो जाएगा ना, लेंथ बढ़ जाएगी, एरिया कम हो जाएगा। तो अगर मैंने डबल खींचा, अगर मैंने इसको डबल खींचा तो लेंथ तो डबल हो गई पर एरिया उसका a/2 हो गया। क्लियर है कि नहीं। ऐसे यहां पे ट्रिपल भी होता, मान के चलो अगर ट्रिपल होता, ट्रिपल खींचता, तो जब ट्रिपल खींचता तो लेंथ तो 3l हो जाती पर एरिया जो हो जाता वो हो जाता a/3। ऐसे ही मैं बोलूं 10 गुना खींच लेता उस स्क्वायर को, तो लेंथ जो हो जाता वो हो जाता 10l और एरिया हो जाता a/10। क्लियर है कि नहीं। तो ये बड़ा नकली से क्वेश्चन होते हैं, अब लगाओ इस पे। तो अब देखो, जब मैंने खींचा था तो ये हो जाता 2l और एरिया क्या हो गया था a/2। ठीक, तो यहां से मैं क्या रो एल ओवर ए ला सकता हूं, तो देखो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो, इस 2 को ना मैंने इधर इधर रख दिया एल ओवर ए, और ये वाला 2 जो था ये ऊपर आ गया, ये 2 मैंने पीछे रखा था, तो यहां से मेरे पे ये वाली कंडीशन आ गई। तो हमें पता है कि जो पहली वाली कंडीशन से कि रो एल ओवर ए तो 10 था, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 × 2 × 2 विच इज 40 ओम। तो देखो कितना इजी होते हैं ये क्वेश्चन। अब इसका रेजिस्टर कितना आ गया 40, ठीक है ना, रेजिस्टेंस कितना आ गया 40 ओम आ गया। तो ये होते हैं स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक और टाइप का क्वेश्चन होता है वो भी करेंगे। एक यहाँ पे रॉड है और मैंने ना इसको 4 टाइम्स खींच दिया, कितना 4 टाइम्स। इसका अगर लेंथ एल है, एरिया ए है और रेजिस्टेंस मेरा इसका मान के चलो 10 ओम है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको ना वैल्यू भी दे सकते हैं, तो घबराना नहीं है। ठीक है, सिंपल वही अप्रोच लेके चलना है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे मुझे पता है कि रो एल ओवर ए होता है,
तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन। अब मैं इस पे जाता हूँ, फोर टाइम खींच दिया तो ये फोर टाइम खींच दिया तो एल हो जाएगा मेरा 4L और एरिया हो जाएगा ए बाय फोर। ठीक, तो यहां पे लिख लो, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। अब ये फोर मैंने यहां नहीं लिखा, मैंने इसको ना पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर, और नीचे भी फोर था, इसको मैं इधर लिया, तो ये कितना हो गया भाई, फोर बाय फोर। ठीक है ना, बस। तो ये हो जाएगा कितना, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरा कितना, ये तो हमें पता था कितना है, 10 है, तो 10 इंटू 16 विच इज 160 ओम। क्लियर है कि नहीं? तो देखो ये होते हैं स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन। अब आते हैं ऑन इट सेल्फ वाले क्वेश्चन। अब ये भी बड़े इजी होते हैं भाई, बहुत इजी होते हैं, तो एक बार इसको भी देख लो। ऑन इट सेल्फ वाले क्वेश्चन, ठीक है भाई, ऑन इट सेल्फ। तो ये क्या होता है भाई, एक क्या है हमारा, रॉड है या वायर है। अब अगर मैं बोलू डबल ऑन इट सेल्फ, डबल ऑन इट सेल्फ मतलब कि मैंने इसको बीच से ऐसा बंद किया और ये वाला जो पार्ट था इसको उठा के यहाँ पे वापस कर दिया, मतलब क्या कि ये ऐसा हो गया। देखो हम ऐसे करते हैं ना, कोई भी दो तार को एक के ऊपर एक लगा देते हैं, तो मैंने उसी के ऊपर वो तार लगा दी। तो अगर यहाँ पे अभी इसका लेंथ एल रहा होगा और एरिया ए रहा होगा ना, तो अगर मैं डबल ऑन इट सेल्फ करूंगा तो लेंथ आधी हो जाएगी। अब तो लेंथ हो जाएगी क्या, एल बाय टू, और एरिया मोटा हो गया तो एरिया हो जाएगा 2L 2A। क्लियर है कि नहीं? ऐसे अगर मैं ट्रिपल कर देता, तो ट्रिपल कर देता तो एल हो जाता, लेंथ हो जाता है एल बाय थ्री, एरिया हो जाता 3A 3A। ऐसे ही मैं 8 टाइम कर देता, 8 टाइम्स, तो क्या हो जाता भाई, लेंथ हो जाता एल बाय 8, एरिया हो जाता 8A। क्लियर है कि नहीं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस अगर मुझे दे रखा है 10 ओम, तो मुझे अब इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो भाई हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है रो एल ओवर ए होता है, विच इज 10 रो एल ओवर ए। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, डबल ऑन इट सेल्फ कर दिया, तो यहाँ पे जब मैंने डबल ऑन इट सेल्फ कर दिया तो रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल, एल कितना है एल बाय टू, एल बाय टू, एंड एरिया कितना है, एरिया है मेरा कितना 2A हो जाएगा, तो 2A। ठीक है, अब अगर मैं इसको निकाल दूं तो यहाँ देखो ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए इंटू 1/4। तो इसके जगह मैं अब यहाँ पे क्या रखूंगा, 10 रख दूंगा, तो R हो जाएगा मेरा 10 इंटू 1/4। तो यहाँ पे इसको काटूंगा 2 2 जा 2 5 जा, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरा 5/2 ओम। क्लियर है कि नहीं है भाई, दिस इज ऑन इट सेल्फ टाइप क्वेश्चन। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने सारे डाउट्स आपके जो भी है रेजिस्टिविटी के, वो मैंने क्लियर करे होंगे। ठीक है भाई, सो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। And please do like, share and subscribe our YouTube channel, Genius Classes CBSE. ठीक है, so we have started a new channel for CBSE. और अगर आपको हमारे ICSE channel का link चाहिए या कोई भी चीज, तो आप हमारे I button पे click कर सकते हैं। ठीक है, और वो हमारा free of cost है। ठीक है, ऐसा कोई पैसा charge नहीं लगने वाला यहाँ से। So आप वहाँ पे जाके बहुत अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं सारी चीज। ठीक है, ऑलमोस्ट सब सेम ही रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पे टिग्नोमेट्री की लिंक मैंने गिवन है, तो टिग्नोमेट्री मैंने कराया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए, मैथ्स में हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो फटाफट फटाफट जाइए और बढ़िया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन, बाय बाय, लव यू।